हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी इधर रहते हैं, बोलते हैं आप लोग किधर रहते हैं, आगे दिखाते हैं और रास्ता बताते हैं अपने घर का एड्रेस। क्या कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हो सो सब मस्त होंगे एकदम। और शाम के बज रहे हैं 6:30 और ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हम लोग थके थे, आके सो गए, खाना भी नहीं बना, वही जो रात का था खीर वही खा के और सो गए। और हम उठे हैं 4:30 बजे, पांडे जी कर रहे हैं पूजा, ये देखिए, और मैं बना रही हूँ चाय इनके लिए। मैं चाय पीऊंगी नहीं क्योंकि मेरा ना गला जलने लगता है, मैंने आजमाया है। तो मम्मी के यहाँ से आया था फारा, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको आप और क्रिस्पी कर सकते हैं, मैंने ऑयल तो बहुत है। चाय इधर उनका हो गया है, मैं छानूंगी और आपको भी इनवाइट कर दें चाय। अभी हमारे पति देव को लगेगा 5 मिनट, मैं ले आई हूँ, ये देखिए रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ अपना जो मेरा सामान पड़ा है इधर उधर, जैसे ये, और आपको दिखा दूँ चूड़ी उड़ी सारा सब पड़ा हुआ है, ये देखिए इयररिंग भी है। तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं ये सब रख दूँ जब तक वो आ रहा है। गाइस गाइस आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये मेरा है ना थिया, ये मैंने निकाला था बट मैंने पहना नहीं। हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और चकाचक होंगे। तो गाइस मैं थोड़ा सो गया था ऑफिस से आने के बाद, क्योंकि मैं तबीयत खराब नहीं था, मैं दवा भी ले लिया हूँ। तो गाइस मैं शाम को ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, आधा अपने गुड़िया ने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया था, मैं सोचता मैं भी आपको बता दूँ कि अभी मैं बैठा हूँ और चाय और ये फारा को उन्होंने क्या किया है कि फ्राई कर दिया है, तो इसका स्वाद बेहतरीन हो गया है। तो गाइस अंकुश भैया का ब्लॉग देखते हुए फारा चाय का स्वाद लिया जा रहा है, और अंकुश भैया का ब्लॉग ये मेरे ख्याल से तीसरी बार चल रहा है टीवी में, दो बार उनका चल गया, जो उन्होंने जो डाला 3 बजे डाला था ब्लॉग, वो 2 बार चल गया है और ये तीसरी बार चल रहा है, मतलब 5 बार ब्लॉग इनका टीवी में ही चल गया है, मोबाइल में भी चल गया है। इनका ब्लॉग देखने में बहुत मज़ा आ रहा है आज के ब्लॉग, इसलिए हमने 5 बार चालू कर दिया। तो गाइस ब्लॉग देखते देखते चाय का स्वाद लेते हैं और आपको मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो गाइस मैंने चाय पी लिया और क्या था वो फारा भी मैंने फ्राई खा लिया। अब पूजा भी हो चुका है, आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। गुड़िया धो रही है बर्तन, सब्जी हो रखा है, बस चावल बनना है। चावल तो मैं खाऊंगा नहीं, बहुत कम खाऊंगा, मुझे भूख भी नहीं है क्योंकि क्या है। और गुड़िया बर्तन धो रही है, दबा के एकदम धो रही है बर्तन ढेर सारा, और अपना सब्जी हो गया, बस चावल बनेगा। तो गाइस आपको मिलते हैं खाने के साथ। हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और चकाचक होंगे। गाइस ये देखो पीछे देख रहे हैं, ये देखो कौन सवती अपे जुटलु ए रामा अलु नाई हमरे पसया हो आवा होरी अलु ना गैलु कवरिया हो आवा गवरी। तो गाइस अब हम चल रहे हैं मार्केट और चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं मार्केट अपना सब्जी मंडी, बहुत टाइम हो गया आप लोग सब्जी मंडी नहीं दिखाया है, और चलते हैं और तुम भी चलो। चलिए तो गाइस चलते हैं सब्जी मंडी और आपको मंडी दिखाते हैं। और मैं आया था, आज शनिवार था तो मैं 5:30 बजे आया हूँ, तो लेट हो गया था, तो इसलिए ब्लॉगिंग अब हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पूजा हो चुका है, अपना फोन ले लीजिए, हमारा फोन ले लो। तो गाइस चलते हैं मार्केट के लिए, पैसा वहीं पर रखा हुआ ले लो, झोला भी रखा हुआ है, पैसा वहीं पे ले लो, मैंने ले लिया पैसा, और झोला इसके नीचे सोफा के नीचे ऑर्डर लगा रहे हैं, ले लो ले लो, और टी शर्ट निकालो, उसको टी शर्ट वाला पहनो, नहीं पहना फर्जी वाला टी शर्ट वाला पहनो, ना गंदा ना टी शर्ट पहन के चल लेती है, कोई मतलब नहीं है गंदा टी शर्ट पहन के। अभी आएंगे टका तो आपको दिखाते टकाटक होने के बाद।
तो गाइस हो गई गुड़िया टकाटक। आप देखो आप लग रही है कैसा इस ब्यूटीफुल। हाँ, नहीं था पहन लेते पुराना पुराना टी शर्ट मेरे ये नीचे यहाँ पे इसके नीचे है। मुझे नहीं मिलेगा। निकालो इसके नीचे है। मैं चश्मा लगाओ भाई। मैं चश्मा लेके आओ ना। मैं चश्मा लाओ। मैं निकाल लेता हूँ। तुम चश्मा लेके आओ पहनाओ। अखिया में ना घुसेड़ देना। देखा कहाँ पे ना गया। अरे हाँ ठीक है चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे पोछ पकड़ के दरवाजा खोलो। वो दरवाजा बंद करिए। ताला मारो। ताला मारो ताला जल्दी से। कवन सवती अपन पानी लेना है तो निकाल दीजिए। 8 बज गया है। खाली करो फटाफट। खाली करो। मैं नहीं जा रही। खाली करके आई। तो गाइस प्याज के पत्ता ले लेते हैं और हमने ले लिया टमाटर लहसुन प्याज। उसका वीडियो बना नहीं पाया कौन सा लूं क्योंकि मेरा दिमाग उतर गया था। ये लो नहीं वाला ये बड़ा है ना। तो कैसे भी है बे लहसुन है कि प्याज है। एक पाव दे दीजिए। प्याज है दिख नहीं रहा है। तो दिख तो नहीं रहा। चश्मा लगा रखा हूँ दिख नहीं रहा है। एक पाव इसकी ना करो। कैसे है 15 ही करिए। एक पाव ही करिए। तो गाइस हमने ले लिया है प्याज। गुड़िया गोभी उठा रही है। लेना मोबाइल अपना वाला। गाइस ले लेता हूँ कुंडरू। ये नहीं खाएंगे बस मैं ही खाऊंगा। तो कुंडरू ले लेता हूँ। चलो गऊ माता। और उठा देंगे। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी इधर रहते हैं। बोलते हैं आप लोग किधर रहते हैं किधर रहते हैं। जो कि मैं मंडी दिखाता हूँ अपना। अब मंडी हमारे घर के पास में ही है। 2nd 60 फीट रोड सब्जी मंडी। फिर भी लोग हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि हम ये सूरज चाट भंडार पर ज़रूर आते हैं। तो आप लोग पहचान लो। तो हम चलते हैं घर के लिए। इस हम चल दिए हैं घर के लिए ना। आ जाओ पीछे पीछे तुम भी। पीछे पीछे आ रही है अंधेरा में। सोच रही है पकड़ो तुम। मोबाइल में रखो। मोबाइल में रखो ना। अरे रखो ना मोबाइल। तो गाइस चल रहे हैं घर के लिए। आपको आगे दिखाते हैं और रास्ता बताते हैं अपने घर का एड्रेस। तो गाइस हम बोतल बाहर निकाल के गए थे और हमारा पानी भर चुका है। मतलब पानी भैया दे के चले गए हैं। खोलो फटाफट ताला। मार्केट से जाओ तो थकावट जाता है। गाइस इस सीढ़ी चढ़ने में थकावट होता है। हमारा भी पूजा का बत्ती अभी जल रहा है। वो चली गई अपने बच्चों को देखने के लिए क्योंकि इनके बच्चे जो हैं मतलब स्कूल के जो हैं बच्चे इनके क्लास में जो पढ़ते हैं वो बगल में इनको मिल गए। तो गाइस चलते हैं। मैं ला दिया हूँ सब्जी उब्जी। तो निकालते हैं और अभी तो कुछ नहीं बनेगा क्योंकि बना था सुबह में दाल। तो दाल रखा हुआ है। अब हम दो लोग हैं तो दो लोग में क्या बनेगा ज़्यादा सामान। तो दाल है ही और देखते हैं। सोच रहे आज आलू का भरता और चावल बन जाएगा। सर्दी जुकाम हो रखा है। चावल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए आप लोग कमेंट कर बताइएगा। बट मैं चावल गरम गरम ही खा लूँगा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि गरम गरम भी चावल मतलब ताज़ा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। सर्दी जुकाम हो रखा है। जब तक आप लोग बताएंगे तब तक ही खा चुके।
तो खा लूंगा, फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आगे से नहीं खाऊंगा, ठीक है। और जगह इनके स्कूल के बच्चे के क्लास जो पढ़ते हैं वो मिली सब हल्ला मचा दी गली में, मैम आ गई, मैम आ गई, मैम। अरे मैम मैम ही रहती हैं। तो गाइस चलते हैं, हमारा गैस खत्म हो गया था, आपने आपको बताया होगा गुड़िया ने रात को मेरा गैस खत्म हो गया था। मैं रात को गया कितने बजे, 10 बजे। दस बजे रात को मैं छोटा वाला सिलेंडर लेकर के गया था भरवाने के लिए, वो छोटा वाला आप लोगों को दिख रहा हो तो भरा के लाया था। अभी मैंने गैस बुक कर दिया था रातों रात ही, तो भैया क्या करता, मैं भैया को गैस वाले भैया को फ़ोन कर देता हूँ तो मतलब मुझे 2 घंटे में 3 घंटे में पहुँचा देते हैं फ़ोन करके, जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो तो किसी किसी टाइम होता है जो नहीं पहुँचा पाते। अगर मैं उनको रात को फ़ोन करता ना 10 बजे, भैया मेरा गैस खत्म हो गया मैं पहुँचा दो, तो पहुँचा देते हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, मेरे से उनका लगाव हो गया है। बट हमने उनको फ़ोन किया नहीं, क्यों उनको परेशान करने जाए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था छोटा वाला, मैं छोटा वाला भरवा लिया था, क्यों परेशान करने जाऊँ, क्योंकि वो साइकिल से आते हैं उठा करके, अब उनको लाना पड़ता, कम से कम मांग चलो यहाँ से जैतपुर मोड़ से लाएंगे बदरपुर फर्स्ट बदरपुर में, तो कम से कम 5 किलोमीटर करीब करीब है, तो मैं क्यों परेशान करूँ, तो फिर मैं इसलिए भरवा लिया था। तो आज मेरा गैस मतलब मेरा गैस कल आ गया था ना मेरा गैस, तो कल मेरा गैस आ गया था, अब इतना टक चला कोई दिक्कत नहीं है, और सारा सामान पड़ा हुआ है अभी, ये सब जो भी सफाई करना है गैस, क्योंकि सुबह में बना था ना, सुबह में 9 बजे गया था, गुड़िया गई थी 8 बजे, तो इस चक्कर में खाना पीना बना था। तो चलते हैं, अभी करते हैं थोड़ा रेस्ट, उसके बाद बनेगा खाना। खाना मैं आपको बता दिया, मैंने सिर्फ चावल बनेगा, आलू को भरता उसमें थोड़ा सा डाल देंगे आलू, तो भरता बन जाएगा। और हमारे यहाँ सारा सामान फेंका हुआ है, आप लोग को दिखा दूँ, ये देखो भाई पूरा सामान फेंका हुआ है। तो हम कल संडे को बिल्कुल सफाई करेंगे और आपको अपना होम टूर घुमा देंगे, कल संडे का मेरा प्लान है होम टूर कराने का आप लोग को। तो चलते हैं फटाफट खाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, पांडे जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चावल परोस रहा हूँ। परोस रहे हैं? चावल बछोर रहा हूँ ना, इसमें तो घून लगा, कीड़ा था, मतलब घून लग जाता है ना। मैं बोली मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उठा के ले आए। अरे हमें एक्सपीरियंस है। कितना अच्छे से फटक रहा है, हमारे यहाँ फटकना कहते हैं इसे, हमारे बनारस में पछोड़ना। अरे कुछ रहने दीजिए, टेस्ट आएगा। खट्टा खट्टा लगेगा। उसमें हड्डी कहाँ होता है? एक चीटी एक घुन में हड्डी नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? हाँ टट्टी उट्टी कर दिया होगा इसमें। छी क्या बोल दिए, लाइए मैं कर रही हूँ, मैं कर दिया हूँ। अब एक दो है वो पानी में निकल जाएंगे। चलो एकाग रह गया है, इसको हाथ से निकाल दूँगा, मम्मा निकाल दूँगा हाथ से। आज मैं बड़ा बिंदी लगाई हूँ क्योंकि मैंने आज साड़ी पहना था, आज पीटीएम था मेरे स्कूल में, मैंने लुक आपको नहीं दिखाया लेकिन एक फोटो डाल देती हूँ, देख लीजिए। गैस मैं मांग रही हूँ इनसे बार बार लेकिन दे नहीं रहे हैं। अब पछोर गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया है, उसको बिन देता हूँ, फिर फटाफट हो जाएगा, फिर कल मम्मी आ जाएंगी फिर कर देंगी, तब तक थोड़ा बहुत मैं कर देता हूँ। अभी जो बनने के लिए मुझे एक्सपीरियंस है, मैं किया हूँ। अच्छा मुझे नहीं है, मैं नहीं की हूँ। वाह तुमसे ज्यादा मैं किया हूँ। हाँ अब आप अकेले बाहर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप ज्यादा ये सब किया हूँ। ऐसा भी नहीं है नॉर्मल रहा हूँ घर पे, मैं घर पे रहा हूँ ना, जब मैं छोटा सा था मम्मी चली जाती थी मामा की यहाँ, तो फिर मैं ही करता था, मैं था, पापा थे, बस हम दो लोग आते थे, क्यों तो हमें एक्सपीरियंस है। मांग चलो मेरी एज अभी फिलहाल हो चुका है 26-27 साल का, तो मैं मुझे एक्सपीरियंस 17-18 साल का है, क्योंकि मैं जब 10-12 साल का था तब से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है सब चीज़ें करने का। मैं ओखली में ओखर में मूसल भी चला के पीसता हूँ,
क्या बोलती है दाल, अरहर का दाल खेत में होता। मैं भी पीसी हूँ दूसरे के घर जाके दाल मेरे दाल। जब हम लोग जानकार हो गए तो हमारे घर में था नहीं, था पहले घरों में होता था, आप लोगों को भी पता होगा। तो मैं भी ना दाल छाटना होता था, तो हम लोग गांव में, सोचिए पूरे गांव में बस एक दो लोग के यहाँ था, तो उनके यहाँ जाते थे मेरे चाचा की तीनों लड़कियां, मतलब तीनों चारों बहन लोग जाते थे वहां पे। ढेकी बोलते हैं ना, ढेकी हाँ, ये क्या होता है? उसी में छाटा जाता है, जो ऐसे पैर रखते हैं तो उठता है उधर, फिर ऐसे नहीं, हमारे नहीं, हाँ हमारे यहाँ वैसे ही था, तो बहुत मजा आता था। अब तो देखने को भी नहीं मिलेगा। तो गाइस पता है आपको, गाइस एक चीज और बता दूं, मैं चूल्हे पे भी खाना बनाया हूँ, चूल्हे पे खुद जला करके, हाँ चूल्हा जला करके, मान चलो आप तीन चार बार खाना मैं बनाया हूँ चूल्हे पे। पहले क्या करता था, कढ़ाई को पहले लेसन लिप्टर में लेस लेता था, लेसने के बाद मिट्टी में, हाँ लिप्टर बोलते थे हमारे यहाँ पे, लिप्टर, तो लिप्टर में लेस करके कि कढ़ाई मतलब मारने में दिक्कत ना हो। एक बार क्या हुआ था कि मैं ना लेसा नहीं था पीछे कढ़ाई पे और हो गया काला, ये उठा नहीं, बाजू इतना रगड़ना पड़ा उसको। तो अब पता है इतना कुछ करने के बाद भी और अगर काला बर्तन हो जाए तो मम्मी चिल्लाए बोले कि मतलब कैसे बना दिए, क्या गंदा कर दिए, काला कर दिए, ये कर दिए, तुम्हें हाँ, तो ये तो फिर वही हो गया ना कि एक तो काम भी करो ऊपर से डांट भी, सो तो सौर नहीं है, सही सौर नहीं है, ये है नहीं है, लोग ये चीज लड़कियों को बोलते हैं, लेकिन बेचारे ये सहे। हाँ, बहुत कुछ सहे, लाइक मैं बहुत किया हूँ, बताएंगे स्ट्रगल किए हम लोग बहुत, मैं मतलब मैं तो कम लेकिन ये ज्यादा किए हैं शायद, जिस दिन आप लोग सुने तो आपसे आंसू निकल आए। मैं अपने जिंदगी में 28 साल की एज में 18 साल तो अपना ऐसे ही गवा दिया। तो गाइस मिलते हैं, मेरा हाथ दर्द हो गया फोन पकड़े पकड़े। और कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग है बट हमने क्यूट सा ब्लॉग बनाया हुआ है। तो हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए। गुड नाइट है।